रॉ मिल्क को इस्तेमाल करने से पहले बॉयल करना चाहिए। दूध में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोलाई, सलमोनेला, जो इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं। इसके अलावा दूसरे किस्म के भी पैथोजन होते हैं जो इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ काज कर सकते हैं। जब दूध बॉयल हो जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं और इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच जाता है। इसके अलावा बॉयलिंग दूध को लॉन्ग टर्म रखने के लिए भी मददगार साबित होता है। बॉयलिंग की वजह से दूध ख़राब नहीं हो जाते हैं। पैक मिल्क को बॉयल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले से बॉयल हुए होते हैं। पॉस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क बॉयल किया जाता है और अचानक दोबारा ठंडक किया जाता है, तो पैक मिल्क पहले से पॉस्चराइज होते हैं। अगर हम इसको दोबारा बॉयल करें तो हम उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करते हैं, इसलिए पैक मिल्क को दोबारा बॉयल करना नहीं चाहिए।